वन मोर रीमेक। अब तो ऐसा लगता है कि यार रीमेक देखने की आदत ही डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे प्यारे बॉलीवुड के पास इतना दिमाग तो है नहीं, क्योंकि उसने ड्रग ले लेके अपने दिमाग को बना दिया है। हाँ, तुम यही कहोगे कि यार मूवी का ट्रेलर आया है, उसको देखकर तू क्या बकवास कर रहा है। चुप चुप चुप, एकदम चुप यार। इससे पहले एक मूवी आई थी लक्ष्मी, उसके बारे में लोग ऑलरेडी बहुत बकवास कर रहे थे, बुरा भला बोल रहे थे, तब मैं वहां पॉजिटिव रहा, खड़ा रहा। मैंने सपोर्ट किया उस मूवी को, उसके ट्रेलर के लिए मैंने वीडियो बनाई, वो अलग बात है उसको किसी ने नहीं देखा। अब देखो यार, मेरी गलती थोड़ी ना है कि मेरी वीडियो के ऊपर व्यूज नहीं आते, वो तो तुम्हारी गलती है ना, क्योंकि तुम शेयर नहीं करते। अगर तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो तो तुम ऑलरेडी टाइटल और थंबनेल से पता ही कर चुके हो। फिर भी किसी की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दुर्गामती द मिथ, एक मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है अमेजोन पर, अब 11 दिसंबर को ये मूवी रिलीज होने वाली है। और ये मूवी कॉपी है, सॉरी सॉरी रीमेक है जो एक तेलुगु मूवी थी भगमती उसकी। अब देखो यार, बॉलीवुड वालों का एक बात माननी पड़ेगी, कॉपी को एक नया नाम दे दिया गया, रीमेक। वैसे मैं सच कह रहा हूँ यार, बॉलीवुड वालों के वैसे भी उल्टे लगे हुए हैं, इनको हर एक कदम फूंक फूंक के रखने की जरूरत है। भगमती 2018 में आई थी, एक तेलुगु मूवी है, और इसके अंदर जो लीड एक्ट्रेस थी वो थी अनुष्का शेट्टी। और इस मूवी के अंदर, दुर्गामती मूवी के अंदर जो लीड एक्ट्रेस है वो है भूमि पडनेकर। वैसे कितना मुश्किल या कितना आसान होता है किसी इंसान ने ऑलरेडी एक रोल जो प्ले कर दिया, उसको देखकर वैसा ही रोल आपको प्ले करना है, ये तो देखो यार तभी पता चलेगा जब ये मूवी रिलीज होगी। अब मैं यहाँ पे इस मूवी की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं तो यही चाहता हूं कि ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी जाए, बट यार उस तरीके का एग्जांपल क्रिएट ना कर दे जो ऑलरेडी जो लक्ष्मी जो मूवी आई थी उसने। अगर किसी ने कंचना 2 मूवी नहीं देखी है या फिर उससे पहले ये वाली मूवी देख ले लक्ष्मी, मुझे नहीं लगता कि यार वो कंचना 2 से फिर देखने जाएगा। एक अच्छी खासी कहानी की वहां पे वाट लगाती थी। कहानी की बात करें, ना 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 डरो मत यार, मुझे भी नहीं पता इसकी पूरी कहानी, बस थोड़ा बहुत मैंने नेट के ऊपर इसके बारे में सर्च किया था, तब वहां पे पता चला था कि काफी ज्यादा हिट गई थी ये मूवी। तो जितना ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है उतना ही आपको पता है, उतना ही मुझे पता है, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। देखो, दिखाया ऐसे गया है कि मूर्तियां चोरी होनी स्टार्ट होती हैं मंदिर से, और फिर एक इंसान जो है ईश्वर प्रसाद लोगों के अंदर फेमस होता हुआ दिखाया जाता है, और उसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ पॉलिटिशियन जो है ईश्वर प्रसाद को अपने कब्जे में, मतलब अपने लाना चाहते हैं, उसे दबाना चाहते हैं ताकि वो उसका यूज कर सके। और इसका मतलब, इसको दबाने के लिए एक लड़की जो है वो चंचल, उसका यूज किया जाता है, उसको कहा जाता है कि तू ईश्वर प्रसाद के खिलाफ गवाही दे, ताकि उसके खिलाफ जो मुकदमे वो बंद हो जाएंगे, उसको रिहा कर दिया जाएगा, उसकी जॉब दी जाएगी। और फिर इसके बाद छोटे मोटे सीन अलग से दिखाए जाते हैं। देखो, मूवी का ट्रेलर देखकर तो कोई भी इंसान ये नहीं बता सकता कि मूवी कैसी होने वाली है, ये तो वही हो गया ना किसी बुक का कवर देखकर आप बुक को जज कर दो, यार मुझे नहीं लगता कि ये कोई जायज बात है। बट ज्यादातर मामलों में, ज्यादातर नहीं, थोड़े बहुत मामलों में चीजें चल जाती हैं। देखो, मूवी के अंदर जो एक्टिंग दिखाई गई वो काफी ज्यादा मुझे इंप्रेसिव लगी, जो भूमि पडनेकर ने जो की, जो लास्ट में जो मूवी का ट्रेलर खत्म होता है उसमें मुझे काफी ज्यादा वो पसंद आई। वैसे बता दूं कि इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं जी अशोक, ये वही है जिन्होंने ओरिजिनल मूवी भागमती जो थी उसको डायरेक्ट किया था। अब देखने वाली बात यह है कि यहां पर बॉलीवुड में यानी हिंदी मीडिया के अंदर ये कैसे अपना जलवा बिखेरते हैं यार, उनकी तरह ना निकल जाए जो लक्ष्मी जो थी वो काफी ज्यादा मतलब डिसअपॉइंटेड थी। आप लोग क्या सोचते हैं इस मूवी के ट्रेलर के बारे में, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना। ना ना ना, स्पॉयलर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कहानी लिखने की जरूरत है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।